अगली खबर आ रही है बुरहानपुर जिले से, जहां पूर्व में हुए जिला चिकित्सालय में हुए 12 करोड़ के कोरोना घोटाले मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने कोरोना घोटाले के इस संदिग्ध आरोपी डॉक्टर आनंद दीक्षित को पुलिस ने पुरी से गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि पुलिस के द्वारा इस घोटाले के मामले में अब तक 70 लोग को गिरफ्तार कर आरोपी बनाए जा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर आनंद दीक्षित, विनोद मोरे व डॉक्टर संदीप पाटिल फरार हैं, जिन पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। न्यायालय द्वारा इन सब की संपत्ति कुर्की कर नीलामी के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं। आनंद दीक्षित की गिरफ्तारी नगर में चर्चा का विषय बनी है। डॉक्टर आनंद दीक्षित RTI कार्यकर्ता की आड़ लेकर व्यापारी और अधिकारियों को ब्लैकमेलर करता रहता है। सबसे बड़ी बात, अपने राजनीतिक संबंधों को भुनाकर उसने मध्य प्रदेश सरकार से अधिमान्य पत्रकार की मान्यता ले रखी है, जिसके अनुसार अधिमान्यता निरस्त करवाने तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उसकी अधिमान्यता निरस्त होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के टीम बनाकर काम शुरू कर दिया है। आखिरकार अलग अलग टीम बनाकर लगातार 6 महीने तक पुलिस को परेशान करने के बाद पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त ही हो गई। इस गिरफ्तारी में लालबाग पुलिस के SI अमिताभ प्रताप सिंह की भूमिका अहम रही। राजनीतिक संबंधों के कारण गिरफ्तारी को लेकर जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास पनप रहा था, परंतु पुलिस के निष्पक्ष गिरफ्तारी पर जनता में खुशी की लहर है। वैसे भी पहले भी काफी चर्चित जिला अस्पताल उसके अंदर अब तक जो है वो हम लोगों ने 16 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुके हैं, और इसमें अभी आज आनंद दीक्षित जो पहले एक पत्रकार के रूप में यहाँ पे काम करता था, तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। आनंद दीक्षित ने बेसिकली एक माँ कृपा फॉर्म बनाई थी, जिसके अंदर जो है वो ऋतिक नवलखे की वाइफ के साथ में जॉइंट फॉर्म बनाई थी, जिसके अंदर जो है वो अनाधिकृत रूप से लगभग 7 लाख रुपये जो है वो ऋतिक नवलखे से लिए भी थे। जब हमने ऋतिक नवलखे को गिरफ्तार किया था, तो उसके अलावा अपने मेहमान ने बताया भी था कि उसको पैसे दिए गए थे, कुछ पैसे का जो है वो ट्रांजेक्शन माँ कृपा फॉर्म के अंदर भी हुआ था। उसके बाद आनंद दीक्षित को आरोपी बनाया गया था, उसके बाद इसकी लगातार जो है वो पकड़ने के प्रयास चल रहे थे, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने आनंद दीक्षित, विनोद मोरे और गोपाल देवकर, इनके लिए कुर्की की कार्यवाही भी स्टार्ट की थी, जिसमें 25 तारीख जो है अभी तो वो कुर्की की लास्ट डेट थी। और इसी बीच में हम लोगों को जानकारी मिली, और उसके बाद में इस आरोपी को जो है वो हम लोगों ने आज पकड़ लिया है। पूरी करके एक जगह है, वहाँ से इसको हम लोग हमारे नज़र में था, उसके बाद में फिर ये पूरी से जगन्नाथपुरी से होते हुए ट्रेन से वापस आया, और रायपुर के आसपास से ही हम लोगों ने इसको जो है वो रोक लिया था, पूछताछ करने पे वेरीफाई करने के बाद में इसको साथ में जो है इसकी पूछताछ करने के लिए लेके आए, और यहाँ पे आने के बाद में लालबाग में इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज हम लोग गिरफ्तार करके इसको कोर्ट में पेश करेंगे, और कोर्ट से कुछ रिमांड भी लेंगे, कम से कम 5 दिन की रिमांड मांगने के लिए बताया गया है। तो जो भी रिमांड मिलेगी तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उस डॉक्यूमेंट्स को जब्ती करना, और बाकी जो पैसों का हेरफेर हुआ है उसकी जब्ती करने की कार्यवाही आगे की जाएगी।